रहे हैं पटना के मोना सिनेमा हॉल में, जहाँ पे कि शाहरुख खान की मूवी बायकॉट के बारे में कुछ पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू आ रहा है, तो देख रहे हैं, देखते रहिए हमारे चैनल पर। इंटरव्यू दिखाया गया पूरा, देखिए आपने। और क्या लग रहा है, भाई वो एक ऐसा एक्टर है जिसके वजह से हमारा भारत का नाम रोशन है, वो नहीं रहेगा तो भारत का नाम रोशन नहीं रहेगा। वो शाहरुख खान की है, बॉलीवुड का भाई 12:45 को है मेरा, अभी 5 मिनट भाई देखे नहीं है तो बिना देख के अभी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मूवी देखने आए, बायकॉट के बाद भी मूवी देखने आ गए, क्या बात? बायकॉट के बाद पहला बात तो शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार, बॉलीवुड किंग बोला जाता है उसका, तो दूसरा रीजन कि शाहरुख खान और सलमान खान को दोनों को एक साथ एक पर्दे में देखा जा रहा है, जो कि बहुत पहले हुआ था, राम लखन के रूप में वो लोग को मिला गया था और दोनों एक साथ, वो बड़े बड़े स्टार बॉलीवुड के, जब एक साथ ये करते हैं तो बॉलीवुड को बहुत ऊंचे लेवल तक, मतलब हॉलीवुड लेवल तक पहुँचाने का एक दर्शन है, एक काम है, प्रक्रिया है। तो इस चीज में अगर हम लोग उसका साथ नहीं देंगे, और मूवी बोलता है कि बायकॉट किया जाए, भाई बायकॉट क्यों किया जाए, उसको तो उससे हम लोग का गवर्नमेंट भी चलता है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है ना उससे, तो उसको बायकॉट कर रहे हो तो हम लोग का ही तो नुकसान है ना, गवर्नमेंट का नुकसान है। क्या आपको नहीं लग रहा कि बायकॉट जो गैंग है आज वो फेल हो गई और कहीं ना कहीं खुश होगी कि बायकॉट करके जो करना चाहती फिल्म को सुपरहिट करना चाहती उसमें वो सक्सेस हो गए, बायकॉट के बहाने से सक्सेस करा रहे, हो गया हो गया, ऑलरेडी सक्सेस है, ऑलरेडी सक्सेस है, उसको बायकॉट भी करना चाहिए। पहला दिन में ब्लॉक का पाप है शाहरुख खान, पठान मूवी का कहीं भी प्रचार नहीं हुआ है, बायकॉट कौन, यही लोग प्रचार खुद करते हैं, मतलब पैसा ले लेके प्रमोशन कर, बिना प्रमोशन का प्रमोशन मिल गया ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, बिहार के भी बड़े बड़े पत्रकार बायकॉट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मेरे एक घंटे में मिलियंस व्यूज जाते हैं, उनको भी असफल हो गए, बहुत सारी वीडियो बनाए बायकॉट का, कलर का मैटर है तो कलर ऑरेंज कलर, लेकिन उसने कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया गया कि जिसे बायकॉट किया गया। अच्छा, एक सवाल आप लोग युवा है, एक सवाल पूछते हैं, थोड़ा सोच के बताइएगा, बहुत सारे कांग्रेस से अलग अलग पार्टी के नेता है जो पाकिस्तान का सपोर्ट में बोल देते, बात समझिएगा, लेकिन जब हमारे कलाकार, जब वो भी खान, कोई भी खान हो, जब वो सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान का कुछ बातों से या इंडिया का कुछ कह देता है कि हमको डर लग रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा हल्का मच जाता है, ये का है आप क्या कहना चाहते हैं? नेता को आजादी है किसी के बारे में कुछ कहने की, कलाकारों को नहीं, जबकि कलाकार सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कलाकार पॉलिटिक्स नहीं करता, कलाकार सिर्फ कलाकार होते, वो अपनी कला दिखाता है, फिर भी उनको इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं उनको विरोध किया जाता है, बायकॉट किया जाता है, जवाब आपके दे रहे हैं सर, नेता को पॉलिटिक्स करना पड़ता है इसलिए करते हैं, बट पत्रकार भी तो पॉलिटिक्स कर रहे, क्या पत्रकारिता क्या आप क्या सवाल है, ये भी सवाल है कि क्या पत्रकार भी पत्रकारिता कार्य में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देखे हमारे साथ भाई लोग थे और कोई लोग बोला।